गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम क्लास 11th कंप्यूटर साइंस में यूनिट 1 कर रहे हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। यहाँ पर हम देखिए मेमोरी यूनिट जो है ये स्टार्ट किया था हमने, तो मेमोरी यूनिट की इंट्रोडक्शन हमने ले ली थी। अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे हम। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसके अंदर जो इसके अंदर जो है रैम, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, ये सब हमने देखा। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है ये हमने देखा था। प्राइमरी मेमोरी इज़ नोन एज मेन मेमोरी, तो और मे आल्सो रेफर टू इंटरनल मेमोरी, ये हम पढ़ा हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम होती है। अच्छा नहीं, आप ये देख लीजिए, प्राइमरी मेमोरी पढ़ना हमने, पहले हमने मेमोरी को बताया था मैंने कंसेप्ट, मुझे गलती लग रही है शायद, पहले हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, अब हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा प्राइमरी मेमोरी है। तो व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी में देखिए क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और मे आल्सो रेफर टू इंटरनल मेमोरी एंड प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं या इंटरनल स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है, या प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ऑल्सो दोज टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज, ऑल दोज टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज दैट आर डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय प्रोसेसर यूजिंग डाटा बस आर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। याद रखिए, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है डायरेक्टली जो मेमोरी को एक्सेस करता है, मतलब ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है बस के साथ, बस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो डाटा केबल होती है, वायर होती है, उसको बस बोलते हैं। तो कंप्यूटर के सीपीयू के साथ जो मेमोरी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, जुड़ी हुई होगी बसेस के साथ, मीन्स वायर के साथ, तो उनको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। That allows a processor to access stores, running programs and currently process data that stored in a memory location. क्या मतलब है, that allows a processor to access, processor को access करवाती है, access means read करवाती है, वो memory को read कर सकता है, store कर सकता है running program को, and currently process data that store, और जो currently process data होती है उसको भी store कर सकता है in a memory location, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, प्रोसेसर को प्राइमरी मेमोरी बहुत हेल्प करती है, बिना प्राइमरी मेमोरी के एक प्रोसेसर काम नहीं कर पाएगा। तो प्रोसेसर काम नहीं कर पाएगा तो समझो कंप्यूटर भी काम नहीं कर पाएगा। अब आप देखिए प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी में देखिए दो टाइप है मेन, एक रैम दूसरी रोम, RAM रैम। तो इसकी अब फर्दर दो टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम। और रोम जो है, जो राइट साइड पर दी है रोम, रोम की भी तीन टाइप्स है, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब रैम जो होगा, इसके रैम के बारे में हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह करनी है, आप ये ध्यान रखिए, ये जो प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन दी मैंने और ये चार्ट आपको दिया, हायरार्किकल चार्ट दिया एक मैंने टाइप्स का, तो ये दोनों आप होमवर्क में कर लीजिए और साथ में इंटरनेट से, गूगल से, यूट्यूब से और प्राइमरी मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आप ऐड ऑन कर लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।